क्या मागो लो करो थोड़ो बोल हाल। देखिए गाइस यहाँ पे ये बर्फ है और ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये बर्फ है दोस्ती बोल कितनी अच्छी बर्फ है, ये देखिए आप, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए गाइस ये बर्फ है पूरी के पूरी जमी हुई ऊपर से लेके नीचे तक, ये करीबन मेरे ख्याल से 8 से 10 फुट होगी है ना। और ये हमारी मम्मी जी है, ये हमारे साथ में चल रही है। देखिए अभी बहुत थक चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है हमने सांस चलने में, तो आगे आगे देखते हैं, मंदिर के नज़दीक बहुत आ चुके हैं गाइस, तो आगे जाके आपको हो सके तो हम दर्शन भी कराएंगे। चलो तो हमारे ऊपर लाओ सो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी खूबसूरत सी बर्फ़ है, तो जन्नत जैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो हम जब नीचे से चले थे तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुकी थी और सांस भी फूल रहा था, तो यहाँ पे आके मतलब इतना खूबसूरत एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। तो केदारनाथ आइए आप दर्शन कीजिए, देख सकते हैं खूबसूरती कितनी सुंदर है, दिखा रहे हर जगह बर्फ और यहाँ भीड़ भी है काफ़ी, देखिए श्रद्धालु घोड़े की सहारे से जा रहे हैं, सहायता से घोड़े की, देख सकते हैं आप इस वीडियो में कितनी ज़्यादा भीड़ है, वो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है यहाँ पे, घोड़े की भी सुविधा है और पिट्ठू पे ले जाते हैं वो आपको, तो मतलब हर एक सुविधा मिल सकती है। अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं, पर अगर मैं कहना चाहूँ तो पैदल यात्रा तो बहुत ही मुश्किल है करनी, मुझे लगता है हमने जो की है बहुत ही मुश्किल रहा है हमको, तो अगर आप बुजुर्ग हो बच्चे हैं तो साथ में, मैं अपने हिसाब से बोल सकती हूँ कि तो आप बच्चों को बुजुर्ग को प्लीज़ पैदल तो मत ही लाना, क्योंकि तो कहा जाता है कि केदारनाथ 16 किलोमीटर है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये 30 किलोमीटर है, क्योंकि हम जब चले हैं तो हमने सबने बोला है कि हाँ नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा और बहुत ज़्यादा है, और यहाँ थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस फूल जाता है, तो बच्चों को तो मत ही लाना अगर आपके बच्चे छोटे हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर की सहायता से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हेलीकॉप्टर से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं कुछ होता है, पर हेलीकॉप्टर से आने से भाई 1 महीना पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी हेलीकॉप्टर की। ब्लॉग नहीं बना पाए
हम भी ब्लॉग नहीं बना पाए इसके साथ। एक्चुअली हम भी रास्ते में ब्लॉग नहीं बना पाए थे, बनाना चाहते थे। हमारे साथ ही बच्चे थे बुजुर्ग से, तो बहुत ही मुश्किल रहा हमारा ये सफ़र यहाँ तक का। अभी भी हम बीच में हैं, अभी तो काफ़ी हमें आगे जाना है, तो हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे। तो आगे जाके हो सके तो मैं मंदिर के आपको दर्शन कराऊँगी। तो आपके लिए ओके बाय। थोड़ी अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, सो मैंने इतनी बनाई है आपको सभी जानकारी देने के लिए। सो आगे मैं बनाती रहूँगी। ओके बाय बाय। जाकर उबा ही क्या से और हम यहाँ पर इतना लंबा सफ़र करके आज बस 3 किलोमीटर की केदारनाथ की दूरी पर अब फाइनली पहुँचने वाले हैं। और मैं आपको वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसा रास्ता था, कैसे कठिन मोड़ हम पार करके आए हैं। और इस वीडियो को आप जरूर और ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत मुश्किल है भाई केदारनाथ आना, इतना आसान भी नहीं है। देखो मेरी वाइफ, वो भी थोड़ी थक रही है, सांस चढ़ रही है। और वाकई में केदारनाथ यात्रा यानी हर किसी के बस की बात नहीं है। और मेरी ये क्यूट डॉटर, वो भी बेचारी थकी पकी काफ़ी भी। बेटा कैसा फील हो रहा था? बहुत ख़राब हालत हो गई ना। तो बच्चों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किस में आना चाहिए? हेलीकॉप्टर से, है ना। चलो आने वाली वीडियो में आप देखना कि मैं घर जाकर आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि हमारे साथ वाकई में भी क्या क्या हुआ था। और बहुत ही इसको मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तो और मैं एक्सपीरियंस के साथ क्या क्या हुआ आने वाली और भी वीडियो देखकर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए अगली वीडियो के वेट कीजिए। अगर उसे कहा और ये रहा पहाड़, बर्फ काफी भी जमी हुई वाकई में। ये इतनी बर्फ के मानो
थी और ये हमारी माता जी भी परेशान हो गई थी। रास्ते में इतना कठिन रास्ता तय करने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी और कई दिक्कतों का सामना करने के बाद आज वो यहाँ पर पहुँची है। काफ़ी भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ज्योति साइड पे नहीं अच्छा लग रहा है।
फाइनली हम मंदिर के करीब करीब 50 मीटर की दूरी जिसे कम पहुंच गए हैं। अब देख रहे हैं ये केदारनाथ मंदिर फाइनली कितने घंटों के बाद आज दर्शन होने जा रहे हैं। बकरी पुराने लाइवा हमारे ऊपर दो पहुंच हो जाए तो। और ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं केदारनाथ टेंपल। अब देख सकते हैं भीमशिला बहुत ही अकल्पनीय इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा थकान महसूस कम हो गई हमारी जो इतना सफर था लंबा वो भी आज बिल्कुल सही हो गया। उसको देखने के बाद आज ऐसा लगता है हमें कि मानो शरीर में जान सी आ गई है। आप देख सकते हो मैं आगे का भी आपको नज़ारा दिखाऊँ। साधु महात्मा यहाँ पर बैठे हुए भाव में विलीन भक्ति में। ये देखो पूरे का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा। मैं आज ब्लॉग इसलिए नहीं पूरा बना पाया, पूरी डिटेल में नहीं बता पाया हूँ क्योंकि हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ हो गया था। वो अगले वीडियो में आपको सारी डिटेल बता दूंगा क्या क्या हुआ था। और हम इक्विपमेंट इतने सारे लेके आए थे, मोबाइल गिम्बल्स ट्राइपॉड मोनोपॉड्स वगैरह वगैरह, तो उसका भी इस्तेमाल सही से नहीं कर पाए। और माइक्रोफोन भी मेरी आवाज़ भी आपको धीरे धीरे आ रही होगी, तो इस सब का मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मैं एंड करता हूँ। ये आगे का व्यू है केदारनाथ में।